हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दिवाकर राय और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्वास्थ्य वृत्त के बारे में। अब WHO डिफिनेशन ऑफ हेल्थ, ये 2 मार्क्स का सबसे कॉमन क्वेश्चन रहा है और 5 मार्क्स में भी डिफाइन द हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO और डिफाइन द स्टेज ऑफ हेल्थ, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है बच्चों। तो इसको अपन समझते हैं अच्छे से। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हो हेल्थ, हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। एकदम हूबहू यही लाइन आपको लिखना है, रट्टा मार के रखो। 2 मार्क्स में पहले पूछा जाता था हेल्थ क्या होता है, कंप्लीट स्टेट ऑफ हेल्थ क्या होता है, कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल और सोशल वेलबींग और नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। डायमेंशन ऑफ हेल्थ की बात करें तो आपके जो डायमेंशन होता है हेल्थ का अलग अलग होता है। सबसे पहला क्या होता है, फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। क्या होता है पहला, फिजिकल मतलब जो बॉडी की जो हाइट वेट ऑर्गन वगैरह सब है, ये सारे जो ऑर्गन है वो फिजिकली अच्छे से वर्क करे। जैसे हमारा हाथ है, पैर है, गोड़ है, सारे पार्ट्स जो है आपका क्या हो, अच्छे से वर्क करे। तो ये फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ हो गया, ठीक है। अब साइन ऑफ फिजिकल हेल्थ की बात करें तो सबसे पहला देख लीजिए साइन क्या क्या होगा। एवरी सेल एंड एवरी ऑर्गन फंक्शनिंग एट ऑप्टिमम कैपेसिटी एंड परफेक्ट हार्मोनी विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी। पूरे बॉडी के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छे से करे और अपने जो भी फंक्शन है उसको अच्छे से ये करे। ये आपका हो गया क्या, फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। अब साइन ऑफ फिजिकल हेल्थ का साइन क्या होता है, तो पहला होगा गुड कॉम्प्लेक्सेशन। गुड कॉम्प्लेक्सेशन मतलब चेहरा वगैरह क्या होगा, ये जो चेहरा है, फेस है, ये आपका क्या करेगा, ग्लो करेगा। स्किन कैसा होगा, क्लीन स्किन होगा। आईज क्या होगा, चमकेगा, ब्राइट आईज होगा, लस्टरेस हेयर होगा, ठीक है। बॉडी विद फर्म फ्लेश होगा, नॉट टू फैट और नॉट स्वीट वगैरह फैट, ज्यादा मोटा नहीं होगा। सांस अच्छे से लेगा, भूख अच्छे से लेगा, साउंड स्लीप अच्छे से नींद आएगा, रेगुलर एक्टिविटी होगी बाउल का, ब्लैडर वगैरह जो है यूरिन और स्टूल अच्छे से पास कर पाएगा पर्सन, ठीक है। स्मूथ और इजी कोऑर्डिनेशन होगा, बॉडी मूवमेंट अच्छे से ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ये सारा जो कंडीशन है, नॉर्मल साइज और फंक्शनिंग, ये सब जो है आपका फिजिकल स्टेट होता है। ऑल सेंस आर इंटैक्ट, पल्स ब्लड प्रेशर वगैरह सब कुछ नॉर्मल कंडीशन में होगा, तो फिजिकल स्टेट हो गया। इवोल्यूशन ऑफ फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को हम कैसे मेजर करते हैं, तो आपका जो होता है, आपका जो फिजिकल हेल्थ के असेसमेंट के लिए जो हम लोग करते हैं वो आपका आता है, इसमें कोड है आपका, ये कोड आप नोट लिख लो। कोड यहाँ पर होता है ABCD, ये है आपका फिजिकल हेल्थ के डायमेंशन को चेक करने का कोड। इस कोड को लिख लीजिए। अब इसमें कोड में A का मतलब क्या होता है, इसको समझ सकते हैं, एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट एंड सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चनेयर्स। एंथ्रोपोमेट्री का मतलब क्या होता है, जो हाइट वेट वगैरह जो होता है ना, हाइट वेट BMI वगैरह, ये आपका हो गया हाइट वेट, लेंथ गर्थ, ये सब जो एब्डोमिनल डायमीटर जो कहते हैं ना ADBD, ठीक है, बाइपेरिडल डायमीटर्स वगैरह जो मेजर करते हैं, जो मतलब मेजरमेंट जो होता है उससे हम पता करते हैं। जैसे BMI एक कॉमन अपना हो गया तो उससे पता करते हैं, तो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट हो गया। दूसरा आता है B, मतलब बायोकेमिकल एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस। बायोकेमिकल और लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में आपका ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, स्टूल टेस्ट हो गया, ये सब जो कल्चर टेस्ट कराते हैं उससे, तो बी हो गया। सी से आपका क्या होता है बच्चों, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, दर्शन स्पर्शन प्रश्न परीक्षा अपने आयुर्वेद में देखा, मॉडर्न में इंस्पेक्शन परकर्शन पल्पेशन और स्कल्टेशन, मॉडर्न में हो गया। उसके बाद डाइटरी और न्यूट्रिशनल असेसमेंट, जैसे डाइट्स वगैरह का वो असेसमेंट करते हैं कि कितना खाना खाते हैं, अग्नि कैसी है, सार कैसी है, ये सारा चीजों को करते हैं। तो आपका ये हो गया फिजिकल हेल्थ का एग्जामिनेशन। कोड के लिए आपको याद रखना है ABCD, ठीक है, यहाँ तक आपको याद रखना है। उसके बाद आपका आता है क्या, इवोल्यूशन ऑफ फिजिकल हेल्थ हो गया, मेंटल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। पहला क्या था, फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ, दूसरा है मेंटल डायमेंशन ऑफ हेल्थ, ठीक है। ये पूछा जाता है डायमेंशन ऑफ हेल्थ आपके कई बार पूछा जाता है। मेंटल डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या होता है, मेंटल हेल्थ जो होता है एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस। मेंटल डायमेंशन ऑफ हेल्थ मतलब सिर्फ मेंटल जो डिजीज है उसकी एब्सेंट नहीं होती है, पर्सन क्या हो, टेंशन फ्री रहे, फ्लेक्सिबिलिटी हो, हैप्पीली रहे, आसपास के लोग अच्छे हो, सबके साथ कोऑर्डिनेशन अच्छे से करे, ठीक है, सेल्फ और अदर पीपल के साथ व्यवहार अच्छे से करे, एनवायरमेंट के साथ कैसे रिस्पॉन्ड करता है, ये आपका हो गया मेंटल स्टेट को, ठीक है। अब इसमें कैरेक्टर्स कैसे पता करते हैं, फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, अंदर ही अंदर दम घुटने जैसा हालत नहीं रहता है, जैसे कई बार अपने को टेंशन हो जाता है तो अंदर अंदर ही घुटते रहते हैं। वेल एडजस्टेड होगा, जहां पे भी जाएगा वहां पर एडजस्ट हो जाएगा। सर्च फॉर आइडेंटिटी,
ठीक है, खुद की पहचान को खोजता रहेगा वो पर्सन कि मैं हूं तो कौन हूं, ऐसा स्ट्रॉन्ग सेंस होगा, जो सेल्फ एस्टीम में होता है सेंस का, जो है कोई भी बोला सुना इसको अच्छे से करता है, गोल्स को प्रॉब्लम वगैरह को सब अच्छे से सॉल्व करता है, गुड सेल्फ कंट्रोल, खुद पे अच्छा कंट्रोल होता है, स्ट्रेस और एंजाइटी वगैरह से जो है ना उसको अच्छे से डील कर पाता हो, ठीक है। अब सोशल डायमेंशन तीसरा आता है, सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। सोशल डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि जो आसपास के लोगों के साथ होता है, कैसे बात करना है, कैसे व्यवहार करना है, कम्युनिकेशन कैसे रखना है, मैं आपसे कैसे बात करूंगा, आपको कैसे हमें से बात करना है, तो ये आपका होगा सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो वो आपका सोशल डायमेंशन ऑफ हेल्थ नहीं हुआ। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ, सोशल स्किल, मतलब लोगों से बात करने का सोशल फंक्शनिंग हो गया, खुद को एज ए कम्युनिटी के मेंबर्स की तरह देखना, ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन में अपनी कंडीशन के हिसाब से डील करना, ठीक है। स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या होता है, ये डायमेंशन जो होता है एक्सपोज करता है इंडिविजुअल इंटीग्रिटी को, प्रिंसिपल और एथिक्स को वगैरह को, जो है स्पिरिचुअल, मतलब जो स्पिरिचुअल जो पूजा पाठ वगैरह सब जो होता है उसको जो अच्छे से जो है लॉजिक के साथ करे वो हो गया। इमोशनल डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या होता है कि जैसे अगर किसी की डेथ हो गई, अब वहां जाकर के रोना है, हंसना नहीं है, तो इमोशनल डायमेंशन ऑफ हेल्थ की पता कर लेंगे। उसके बाद वोकेशनल डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या होता है, ये जो कंसर्न होता है ऑक्यूपेशन से, जैसे बिजनेस वगैरह करते हैं, जॉब वगैरह करते हैं, तो बिजनेस में आपका कैसे रहता है, जैसे शिक्षक है तो वो टीचिंग के लिए कैसे करते हैं, उसके टीचिंग का स्किल्ड कैसा है, वो आपका वो उस कंडीशन में वो हेल्दी है कि नहीं हो, ठीक है, बच्चों के साथ फ्रस्ट्रेट वगैरह तो नहीं हो रहा है वर्क करते समय, गुस्सा तो नहीं हो रहे हैं, तो ये सारा चीज हो गया आपका वोकेशनल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग हमें बहुत बार कॉल करके परेशान करते रहते हैं, लेकिन मैं कभी गुस्सा नहीं होता, वोकेशनल डायमेंशन ऑफ हेल्थ, ठीक है। एट डायमेंशन ऑफ वेलनेस की बात करें तो ये एट डायमेंशन आपका यहाँ पर मैंने इंसर्ट करके दे दिया, ये आपका पूछा जाता है 5 मार्क्स में कि राइट द एट डायमेंशन ऑफ वेलनेस, ठीक है, तो आपको जो एट डायमेंशन ऑफ वेलनेस आपसे पूछा जाएगा तो ये 8 डायमेंशन को आपको लिखना है। फिजिकल डायमेंशन में आपका एक्टिविटी, स्लीप, डाइट और न्यूट्रिशंस का ध्यान रखना है। सोशो कल्चर में कनेक्शन, बिलोंगिंग और सपोर्ट्स के लिए इंसॉर्ट कर दिया है जो मैंने आपको बताया वहां में। फाइनेंशियल क्या होता है, सेटिस्फेक्शन ऑफ करेंट और फ्यूचर फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए जो है वो सेटिस्फेक्ट्री रहे, ठीक है। इन्वायरमेंटल मतलब आसपास के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। ऑक्यूपेशनल में सेटिस्फेक्शन और एनरिचमेंट फ्रॉम वंस वर्क, ठीक है, मतलब ऑक्यूपेशनल जैसे मैं टीचर हूं तो मेरा काम है पढ़ाना और अपने काम से हमें खुश रहना होगा, ठीक है, जिसमें सबसे पहले फिजिकल क्या है कि अच्छे से एक्टिविटी करना है, अच्छे से सोना है, अपने काम को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, सारी चीजों को। सोशियो कल्चर मतलब आसपास के लोगों के साथ अच्छे से सपोर्ट करना है, अच्छे से रहना है। फाइनेंशियली मतलब जो भी आपके पास जितना है उतने में संतुष्ट रहना है, ठीक है। एनवायरमेंट मतलब आसपास के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना है। ऑक्यूपेशनल मतलब जिस काम को आप करते हो उसमें आपको अच्छे से करना है, दिल लगा के करना है, खुश रहना है जो काम आप करते हो उसी में, ठीक है। उसके बाद आता है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिंग सेंस ऑफ पर्पस, मीनिंग ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। स्पिरिचुअल मतलब कि जीवन का जो मतलब क्या है, पूजा पाठ धार्मिक चीजों को करना है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल क्रिएटिव एबिलिटी है, न्यू नॉलेज और स्किल वगैरह को डेवलप करना है। इमोशन क्रिएटिंग क्या है, सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप करना है, इफेक्टिंग अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उस कंडीशन को अच्छे से डील करना है। कंसेप्ट ऑफ वेलबींग के लिए आपका दो तरह से होता है, पीपुल एक्सपीरियंस करता है देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एंजॉयिंग देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिटरमाइन करते हैं दो कंडीशन से, एक होता है आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ और एक होता है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ये कंसेप्ट ऑफ वेलबींग भी आपका 5 मार्क्स में पूछा जाता है। कई बार पूछा जाता है कंसेप्ट ऑफ वेलबींग कि आप बताइए कंसेप्ट ऑफ वेलबींग क्या होता है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो कंसेप्ट ऑफ वेलबींग जो है, जो पर्सन की जो वेलबींग की जो कंसेप्ट है उसको आप समझ सकते हो दो तरह से। एक तो होता है आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ को QOL यानी सब्जेक्टिव हो गया, और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। अब देखिए क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिव कंपोनेंट की बात करते हैं तो इसमें समझ सकते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो पर्सन जो है सेटिस्फेक्शन होता है या डिससेटिस्फेक्शन। क्वालिटी ऑफ लाइफ की मतलब क्या होता है, पर्सन जो है, ठीक है, डिफाइंड एज जो पर्सनल जो है पर्सनल सेटिस्फेक्शन या डिससेटिस्फेक्शन होता है कल्चरल और इंटेलेक्चुअल कंडीशन अंडर द इंडिविजुअल लाइफ, ठीक है। जैसे वो जो पर्सन है अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड है नहीं है ये देखना होता है आपको, सेटिस्फेक्शन विद कल्चरल या इंटेलेक्चुअल कंडीशन से, मतलब जो अपनी जो बोलचाल की भाषा, बातचीत की भाषा, बोलने का तरीका, मेंटली जो पेशेंट होता है उसमें समझ सकते हो कि वो कैसे बिहेव करता है, ये आपका हो गया सब्जेक्टिव। अब कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर जैसे हेल्थ है, हैप्पीनेस है, एजुकेशन है, सोशल है, इंटेलेक्चुअल अटेनमेंट है, फ्रीडम
ऑब्जेक्शन है, जस्टिस है, एक्सप्रेशन है, मतलब ये सब जो डिसाइडिंग जो फैक्टर्स है, कैसे बात करता है, कैसे बोलता है, कैसे सपोर्ट करता है, कैसे डिसीजन लेता है, इस पे डिपेंड करता है सब्जेक्टिव कंपोनेंट में। उसके बाद क्या है, इसमें इवैल्यूएट करते हैं PQL, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स से करते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में आपका क्या होता है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेशन एट एज, और लिटरेसी, मतलब एजुकेटेड कितने पर्सन्स है, पर्सन कितने लिटरेसी रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेशन एज, मतलब पर्सन की जो एक्सपेक्टेड एज कितना है लाइफ स्पान की, इनफैक्ट जो न्यू बॉर्न जो जन्म लिया उसकी मोर्टिलिटी रेट क्या है। तो इससे हम पता करते हैं कि इसे सब्जेक्टिव कंपोनेंट से, मतलब कि ऐसा लाइफ स्टाइल होना चाहिए जिसमें पर्सन की लाइफ जो है, एज जो है वो इंक्रीज कर सके, वैसे कंडीशंस में आपका होता है, ठीक है। उसके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बात करें, सब्जेक्टिव कंपोनेंट ये क्या होता है, ये जो होता है स्केल ऑफ सोसाइटी एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, गुड, जैसे पूरी सोसाइटी के द्वारा कितनी जो खर्च करता है, चाहे मान लीजिए एक देश के द्वारा कितनी जो खर्च करता है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव क्या हो गया, एक इंडिविजुअल का जो होता है सारा चीज, जो ये प्राइमरी डिपेंड करता है जीएनपी पे, जीएनपी इंडिकेट करता है ग्रॉस इनकम जनरेटेड बाय द कंट्री, ये भी आपका 2 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है जीएनपी, ठीक है। ये जो आपका कई बार एग्जाम में जो है ना 2 मार्क्स में आपका पूछा जाता है जीएनपी, जीएनपी क्या होता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, हमारे देश के द्वारा पूरे जो पर्सन है उसके द्वारा कितनी प्रोडक्शन होती है, इनकम कितनी होती है उसको, और इनकम जो है उसको जीएनपी बोलते हैं। जीएनपी में इंक्लूड करते हैं ये जो ये देश में जो दो तरह से होता है, जो हमारा देश का जो जीएनपी होता है ये हमारे देश के द्वारा अर्निंग, देश में जितने लोगों ने कमाया वो, और बाहर जो हमारे लोग हैं जो कमा करके हमारे देश में लेके आते हैं, वो दोनों की अर्निंग को जोड़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अभी जीडीपी बहुत ज्यादा है, ठीक है। इंक्लूड करते हैं ग्रॉस इनकम जनरेटेड विद इन द कंट्री एंड एक्सक्लूडेड नेट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द अब्रॉड। जीडीपी का मतलब क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि हमारे देश के जो लोगों ने जितना कमाया और उसके अलावा जो अदर कंट्री से जो इनकम हमारे पास आया, वो दोनों को इसमें हम इंक्लूड करते हैं जीडीपी में, ठीक है। उसके बाद कैरल रोक मल्टी डायमेंशनल मॉडल ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए आता है, सेल्फ एक्सपेक्टेंस, मतलब कोई पर्सन अगर गलत है, अगर वो एक्सपेक्ट कर लिया तो, पर्सनल ग्रोथ, पर्सन की जो ग्रोथ को उसको मेजर करना है, पर्पस ऑफ लाइफ, उसके जीवन का क्या लक्ष्य है, जैसे आप भी हो तो आपका अभी लक्ष्य होगा बीएमएस अच्छे से कंप्लीट करके अच्छा डॉक्टर करना, बनना, ठीक है। एनवायरमेंटल मास्टरी, मतलब आगे आसपास के लोगों के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करके रखना, ऑटोनोमी, मतलब खुद पे डिपेंडेंट रहना, ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन विद अदर, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, ठीक है। अब देखो, अभी प्राइमरीली जीएनपी जो होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, हर कंट्री के जो इनकम जो होता है, और उससे ये हो गया स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ क्या होता है, स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ जो मेनली आपका जो होता है, स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ क्या होता है, इसको समझिए बच्चों, स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ क्या होता है, ये क्या होता है, डायनामिक प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन ऑफ हेल्थ फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, ठीक है। स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ क्या होता है, डायनामिक प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन होता है हेल्थ का वन लेवल टू अनदर, ये क्या होता है, फॉर्म ऑफ स्टेप, जैसे सीवियर सिकनेस, डेथ, हाईएस्ट रेट, पॉजिटिव हेल्थ अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशंस, ये सब डिपेंड करता है कि कितने पर्सन का जन्म हुआ, कितने पर्सन का डेथ हुआ, किस कंडीशन में पर्सन की डेथ हुई, ये सारा चीज आपका इसमें आता है, ठीक है।